हेलो टू एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन यू आई एस प्लेटफॉर्म एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पंजाब स्पेसिफिक सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन सो हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अ स्टेट्स लॉ यूनिवर्सिटी जो uh, शुरू होने वाली है तरन तारण के अंदर ठीक है सो इट इज़ अ इट इज़ अ स्टेट्स लॉ यूनिवर्सिटी पंजाब सी एम डिजिटली लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टेट्स लॉ यूनिवर्सिटी एट तरन तारण सो ये जो शुरुआत की गई है ये ओकेजन है हमारा दैट इज़ फोर हंड्रेड बोथ एनिवर्सरी ऑफ सिक्स नाइन नाइन्थ गुरु नाइन्थ गुरु गुरु कौन से हैं हमारे गुरु तेग बहादुर जी उनके इस ओकेजन के टाइम पे हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उस टाइम पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ही वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ

ये आप ज़रूर याद रखिएगा हमने लास्ट क्लास में पंजाब की पंजाब की क्लास के अंदर हमने गुरु तेग बहादुर बहादुर जी के बारे में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो पढ़े थे तो आपको वो पॉइंट्स अगर पढ़ने होंगे तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं राइट सो so ये सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि वैसे तो लॉ डिग्रीज जो हैं Uh, वो कन्फर uh, किया जाता है वो दी जाती है बाय सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब सच एज़ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी देन देर इज़ द पंजाबी यूनिवर्सिटी देन देर इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं स्टेट के अंदर जो लगभग तीस कॉलेज हैं जहाँ पे लॉ की पढ़ाई कराई जाती है और वहाँ पे आपको डिग्री दी जाती है बट देयर वॉज ओनली वन लॉ यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्ट करती थी पंजाब के अंदर दैट इज़ राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला के अंदर है जो स्टेट के अंदर थी तो लॉ की एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो थी वो मिसिंग थी तो उसी के आ, उसी को फुलफिल करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द डिसीजन टू इनागरेट द फाउंड इनागरेट दिस होल स्टेट्स यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी इन तरन तारण तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एज फार एज योर प्रिलम्प्स इज कंसर्न तो प्रलम्स में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोशल सिक्योरिटी आपकी सोसाइटी uh, इश्यूज uh, के अंदर ये चीज़ कवर हो सकती है पंजाब एनहांसेज द सोशल सिक्योरिटी पेंशन टू फिफ्टीन हंड्रेड तो पांच सौ रुपए पहले दिया जाता था फाइव हंड्रेड रुपीज वर गिवन बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज तीन गुना उसको इंक्रीज कर दिया गया है अब इसको 1500 जो है वो कर दिया गया है राइट सो फुलफिलिंग अ मेजर पोल प्रॉमिस पंजाब चीफ मिनिस्टर जो है ऑन लॉन्च अ एनहांस सोशल सिक्योरिटी पेंशन ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ इट हैज़ बीन इंक्रीज थ्री फोल्ड इसको इंक्रीज़ कर दिया गया अर्लियर इट वॉज़ फाइव हंड्रेड नाउ इट इज़ फिफ्टीन हंड्रेड राइट सो ये पूरा का पूरा जो था एक वर्चुअल फंक्शन के तहत ये चीज़ को डिस्क्लोज किया गया एंड अलग अलग लोकेशन में लोग बैठे हुए थे बहुत सारे मिनिस्टर्स थे उस ओकेजन के टाइम पे इस डिसीजन को लिया गया ताकि टू गिव मोर सोशल सिक्योरिटी कवर टू टू दीपल हु नाउ एक और एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए दैट इज इन द सर्विस ऑफ फ्री इंडिया इट इज अ बुक इट इज अ बुक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्जाम चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है या फिर आपका स्टेट पी सी एस है सर्विस ऑफ फ्री इंडिया ये बुक है जो रिलीज की गई ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर राइट? सो ऑपरेशन ब्लू स्टार हर स्टूडेंट को पता है क्या है क्या नहीं है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन इसमें क्या है? इस किताब में लिखा गया है कि किस तरीके से एक जो, जो पंजाब सिचुएशन थी उसका बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया मीडिया के द्वारा बनाया गया ठीक है वर्नाकुल न्यूज़पेपर्स के द्वारा बनाया गया किस तरीके से अलग एक पिक्चर जो है पूरे इंडिया को दिखाई गई इस पंजाब सिचुएशन की उसके बारे में लिखा हुआ है और ये लिखा किसने है ये आ, बेसिकली जो गवर्नर ऑफ पंजाब रह चुके हैं फ्रॉम अक्टूबर 10 1983 से लेकर जून आ, 27 1984 तक वो गवर्नर रहे इनका नाम है बी डी पांडे सो बी डी पांडे इनकी जो डॉटर है उन्होंने ये किताब लिखी है राइट right? अभी तो ही इज़ नो मोर बट उनकी बेटी जो है उन्होंने ये किताब लिखी हुई है और इनके जो इनकी जो मेमोरीज है उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कैसी डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेज देखने को पड़ मिले पंजाब को और काफ़ी सिख कम्युनिटीज को और वो सारी चीज़ें जो है इस किताब के अंदर लिखी गई हैं राइट सो वो चीज़ हम लोग थोड़ा थोड़ा जो इसके की पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेंगे वैसे बुक जो है उसकी किताब बुक का नाम और किसने ये किताब लिखी है किसकी मेमरीज के ऊपर ये किताब है ये पढ़ना ज़रूरी है राइट right? अब देखिए इसमें ऐसा है कि इस किताब को लिखा गया उनकी बेटी रत्ना एम सुदर्शन के द्वारा और स्पीकिंग टाइगर जो है उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है सो so, होता यूं है कि आ, ये जो पांडे हैं ये जो गवर्नर लेट आ, आ, गवर्नर रह चुके हैं पहले आ, पंजाब के उस टाइम पे जब ऐसे सिचुएशन थी 1984 का दौर चल रहा था तो ही ऑल्सो सर्वड इन मल्टीपल पोजिशन ऑल्सो जैसे वो पहले यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रह चुके हैं ठीक है सो so, उन्होंने जो है वो अपनी जितनी भी एक्सपीरियंसेस थे मेमोरीज थे उनको उन्होंने अपना संजो के रखा था उनको सवार के रखा हुआ था लिखा हुआ था कहाँ पे 1986 से ले 1999 तक उन्होंने जो है उसको लिखा हुआ था कहीं पे और उन्होंने अपनी फैमिली को इंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ था कि आपको क्या है ये जो पब्लिश करना है ये जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये आपने पब्लिश करनी है बट एटलीस्ट एटलीस्ट जब मेरी डेथ हो जाएगी उसके पाँच साल बाद कीजिएगा सो so, वैसे ही आ, जो इस तरीके से बोला गया और इन्होंने बेसिकली सामने एक क्रिटिकली बहुत क्रिटिसिज्म किया था जो सेंट्रल एक तरीके से जिसे कहते हैं ना सेंट्रल लीडरशिप जो इंदिरा गांधी ने संभाल के रखी थी उसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस जो है इन्होंने किया है इन्होंने सिख को ए, सिक्स एज़ अ कम्युनिटी जो है उन्होंने तारीफ़ की किस कि तरीके से इन्होंने अपना उस टाइम पे रिएक्ट किया था उसकी तारीफ़ की है और इंदिरा गांधी और कुछ उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स से उनको जो है क्रिटिकली जो है क्रिटिकल एनालिसिस किया है उनकी लीडरशिप का राइट right? उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हार्ड लाइनर हिंदू थे हार्ड लाइनर हिंदू और जो वर्नैकुलर प्रेस थी दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉल्स नैरेटिव जो उस टाइम पे बना था राइट फॉल्स नरेटिव उस टाइम पे बना था यू you नो know, एक मीडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने में भी मीडिया का काफ़ी ज़्यादा योगदान था न्यूज़पेपर्स का योगदान था आज के टाइम पर भी कोई भी नैरेटिव बनाना है कोई भी एक एक लोगों के दिमाग में एक पिक्चर पैदा करनी है तो वो बहुत ही आसानी से आ, की जा सकती है बहुत आराम से की जा सकती है मीडिया में कोई भी न्यूज़ उसको फैब्रिकेट करके उसको थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस करके आ वो पूरी साइकोलॉजी जो है लोगों की चेंज की जा सकती है आज के टाइम पे है ना तो उस टाइम पर भी यही सिस्टम था कि मीडिया ने एक ऐसा रोल प्ले किया प्रेस ने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसकी वजह से वो जो थॉट थे लोगों के जो थे वो गलत उनको समझ आ रहा था जो भी चल रहा था उसके ऑपोजिट समझ आ रहा था he also blames the tussle between the president जैल Singh, जैल Singh के बीच में टसल चल रही है एंड former Punjab जो uh, CM एम है दरबराज Singh उनके बीच में काफ़ी टसल चल रही थी उस time पर यह भी उन्होंने बताया और उन्होंने उन्होंने बहुत ही पैशनेटली पैशनेटली डिफेंड किया पंजाब पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने बहुत पैशनेटली वहीमेंटली डिफेंड किया पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कहा कि ये जो थे ये ऑन द टॉप ऑफ द सिचुएशन दे वर नॉट इन दी इन दी इन दी इन दी रोल जहाँ पे ये डिसीजन मेकर्स थे यहाँ पे इनको डिसीजन दिया जा रहा था एंड दे हैव टू जस्ट एग्जीक्यूटेड तो ये सारी चीज़ें इस किताब के अंदर लिखी हुई थी तो This is about this. And Operation Blue Star, वैसे तो हमने काफी पढ़ा होगा बट एक बार इसको कर लेते हैं मिलिट्री एक्शन इंडियन मिलिट्री एक्शन जो आ, किया गया था वन एंड जुलाई के बीच में फर्स्ट जून से लेकर दस जून तक इसकी कार्रवाई चली थी 1984 में जहां पे इन ऑर्डर टू रिमूव तकसाल जो लीडर हैं जनरल सिंह भिंडरे वाला उनको जो है वहाँ से निकालना था वहाँ से उनको कैप्चर करना था कहाँ से उनको और उनके फॉलोअर्स को फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल जो है कॉम्प्लेक्स अमृतसर पंजाब से राइट right? सो so, ये एक ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक मेजर एम था कि जनरल सिंह को वहाँ से निकालो पकड़ो और इस तरीके से था उनके फॉलोअर्स को पकड़ो ठीक है सो बेसिकली ये जो डिसीजन था टू लॉन्च द अटैक ये जो डिसीजन था कि सीधा आप अटैक करना शुरू कर दीजिए रेस्टेड विद द इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे थी ठीक है तो ये बेसिकली बहुत क्लियर कट डायरेक्शन दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा और ये बोला जा रहा है फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द रिटायर्ड जनरल एस के सिन्हा के द्वारा राइट तो ये सारी चीज़ें थी जो इस uh, किताब के अंदर लिखी गई हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड है ठीक है तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा नाउ नेक्स्ट इज पंजाब अर्ज सेंटर टू इंश्योर द कोल सप्लाई अवॉर्ड टू अवॉइड द पावर क्राइसिस तो पंजाब ने आ, सेंटर को एक एक तरीके से एक आ, थोड़ा सा उनको समझाया है कि हमारे यहाँ पे आ, कोल सप्लाई जो है एडुकेट नहीं हो पा रही है एडुकेट हो रही है और हमारे पास जो है पॉसिबली वी आर सपोज टू एग्जॉस्ट द एग्जॉस्ट आर कोल सप्लाई विद इन फ्यू टाइम पीरियड एंड उसकी वजह से फिर पावर कट हो सकता है ठीक है तो आप जल्दी से जल्दी जो पी एस पी सी एल का एग्रीमेंट है जो पी एस पी सी एल का एग्रीमेंट है उसके तहत जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसको अपने जो जितना भी कोल सप्लाई करना है उसके हिसाब से आप करते जाइए क्योंकि हमारे को जो है पावर क्राइसिस हो सकता है हमारी जो पावर क्राइसिस है वो हो सकती है और विच आर लाइकली टू बी एग्जॉस्ट इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज तो पॉसिबली इस तरीके से है तो फास्ट डिप्लीटिंग कोल्स रिजर्व्स जो है वो हो सकते हैं राइट तो इतना आप ध्यान दीजिएगा ये आ, सिर्फ पंजाब के साथ भी है हरियाणा के साथ भी है धीरे धीरे हर स्टेट जो है इस तरीके से आ, थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारा जो एग्रीमेंट के हिसाब से उस हिसाब से आप पूरा उसको पूरा उसको राइट right? ठीक है सो रिव्यूइंग पावर सिचुएशन एंड शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाई इन द स्टेट चनी सेड दैट ऑल दर्मल प्लांट आर अनेबल टू जनरेट फुल कैपेसिटी ऑफ पावर ड्यू टू इन कोल रिसिप्ट तो कोल रिसीव नहीं हो रहा इसीलिए हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं दे आर नॉट वर्किंग फुल कैपेसिटी ऑफ पावर राइट दे आर नॉट वर्किंग फुल कैपेसिटी ऑफ पावर तो इसीलिए गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही है आगे जाके हमारा जो है पावर सप्लाई हमें करनी पड़ती है फॉर इरिगेशन पर्पसेस के लिए जो कि पैडी क्रॉप्स हैं ठीक है पैडी क्रॉप्स में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है तो ये सारी चीज़ें अगर पावर कट हो जाएगा ऑन द डोमेस्टिक सो क्राइसिस है ना पावर क्राइसिस देखने को मिल रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको सप्लाई करना पड़ेगा राइट सो so, एक, एक और एक का सवाल भी पूछा जा सकता है यहां पर समझ आ गया so, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान देनी है ये जो थर्मल प्लांट्स है ना अगर देखा जाए तो ये जो थर्मल प्लांट्स है इसमें अकॉर्डिंग टू देर एज एज मतलब जिन थर्मल प्लांट्स के पच्चीस साल जो है वो पूरे हो चुके हैं उनको हम लोग कहते हैं ओल्ड थर्मल पावर प्लांट्स ओल्ड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स दे आर स्टिल ऑपरेशनल ठीक है दे आर स्टिल ऑपरेशनल जो कि ओल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं और इन थर्मल पावर प्लांट्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन uh, है टूवर्ड्स ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई दैट इज नॉट मिनिमल इट इज मेजर विच इज ट्वेंटी परसेंट मतलब बीस प्रतिशत जो है ये कहाँ से आता है ये आता है ओल्ड आपको जो है सपोर्ट करना है आर्ग्यूमेंट इन फेवर या अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट दिस ओल्ड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इसका मतलब यह है कि क्या इनको बंद कर देना चाहिए या फिर इनको अभी भी चालू रखना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इसके अपने बेनिफिट्स हैं अगर बंद कर दिया तो अपने बेनिफिट्स होंगे अगर चालू रखा तो अपने बेनिफिट्स होंगे सो so आप कमेंट के अंदर लिखिएगा क्योंकि इंडिया में ना एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है और अभी भी यही चल रहा है कि ये जो ओल्ड कोल बेस्ड पावर थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनको जो है इनको कंटिन्यू रखना चाहिए और कंटिन्यू रखेंगे तो इन्वायरमेंटल हेज़ार्ट होने वाले हैं इन्वायरमेंटल हेज़ार्ट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ने नैशनली आपने सुना होगा ना कि हर सरकार ने हर, की, हर कंट्री की हर सरकारों ने अपने लेवल पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो सोच के रखा है कि हम लोग 2035 तक इतना जो है कार्बन इतना जो है कार्बन इमिशन जो है कम करेंगे इतना कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे तो अगर उस चीज को हासिल करना है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना है सो तो हमें ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे क्योंकि ये जो है इन्वायरमेंटल हिजार्ट क्रिएट कर रहे हैं पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं है ना इनकी एफिशिएंसी उतनी है भी नहीं ठीक है और दूसरी बात यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आप आप पोल्यूशन कंट्रोल वो लगा देंगे चिमनीज़ लगा देंगे जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा वो इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा फिर भी कुछ ज़्यादा फायदा दिखता नहीं है एज़ फार एज़ द वेरियस स्टडीज़ आर कंसर्न सो आपने कॉमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर लिख देना है कि वी आर इन द फेवर ऑफ फेवर ऑफ़ ओल्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट शुड बी देयर ऑपरेशनल होने चाहिए या इसको जो है बंद कर देना चाहिए आ, इनकी जगह हमें और कुछ ऑप्शन ऑप्ट करने चाहिए अगेंस्ट दिस ऑपरेशनल आइडिया ठीक है तो इसमें आप लिख दीजिएगा आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं देखिए पॉइंट्स नंबर वन सिंपल सी चीज़ें हैं ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा सिंपल दो तीन पॉइंट्स है जो आपको खुद याद आ जाएंगे देखिए अगर हम लोग इस फेवर में चलते हैं फेवर Right, if we talk about the favor favor to uh, keep on running this uh, old coal based power plants, uh, number one, number one is as far as the various studies are concerned. तो अगर आप इनको बंद भी कर देंगे ना तो ज़्यादा कुछ सेविंग्स होने वाली है नहीं आप इनको बंद करके नए कोल आ, कोल पावर प्लांट जब सेटअप करेंगे तो उसका भी तो खर्चा होगा तो उसका खर्चा इसको आ, बंद करके वो अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो सेविंग जो होगी वो वन परसेंट से लेके टू परसेंट तक की होगी जो कि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है है ना जो बड़ा नंबर नहीं है पहली बात सेविंग्स की तो ज्यादा नंबर बड़ा नहीं है तो हमें जो है फेवर में देखा जाए कि हाँ बंद कर देना चाहिए फेवर में है क्योंकि सेविंग्स जो है ज्यादा कुछ बड़ी दिख नहीं रही है राइट दूसरी बात बंद कर देना चाहिए इसीलिए बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल हजार पोल्यूशन जो ये क्रिएट करते हैं ठीक है दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये बंद करेंगे तभी तो हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे राइट right. अगर हम ये बंद करेंगे तभी तो रिन्यूएबल सोर्सेस फॉर एग्जांपल सिंपल चीज है सोचिएगा पेट्रोल जो है वो सौ रुपए प्लस हो चुका है है ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक मिडिल क्लास एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो ओनर होगा ब्रेड बटर जो आ, कमाने वाला होगा ये ये जरूर सोच रहा होगा कि यार सौ रुपये हो चुका है मैं अपने टू व्हीलर या गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ एक बढ़िया साइकिल ले सकते हैं बस में जा सकते हैं है ना सो so, ये थॉट कब आता है ये थॉट तब आएगा ना जब आप आ, आ, आपका वो करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि मतलब वो जो चीज है कि पेट्रोल खरीदना बड़ा मुश्किल हो रहा है तो वैसे ही सेम अप्लाइज टू दिस सिचुएशन आल्सो कि यहाँ पे अगर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं अगर आप इनको बंद करेंगे तभी तो आपको वो थॉट आएगा कि यार वो परसेंटेज कहाँ से निकालेंगे फटाफट हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से निकालना पड़ेगा तो अगर इनको बंद करेंगे तभी वो चीज पॉसिबल होगी समझ के समझ रहे हैं आप तो ये चीज करना ज़रूरी बनता है हमारा ठीक है उसके अलावा आ, उसके अलावा फेवर में है उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ और मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग मैंने आपको मिक्स करके चीज़ें बता दी हैं अगर इफ़ यू वॉन्ट आई कैन आई कैन ब्रिंग अ सेशन ऑन दिस ऑल्सो एजिंग आउट कोल पावर प्लांट्स इसके ऊपर हम लोग एक पूरा सेशन भी लेकर आ सकते हैं दस मिनट का ज़्यादा नहीं इसमें एक चीज़ और भी है ठीक है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि इनको बंद करेंगे तभी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बूस्ट मिलेगा लेकिन वो एकदम से थोड़ी मिलेगा आपको उसको बूस्ट करने के लिए टाइम चाहिए तो आप इसको धीरे धीरे अब जब बंद करेंगे क्योंकि ये चीज़ जो है और मान लीजिए एक टाइम ऐसा आ गया जब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे आप इस चीज़ को ये जो कोल बेस पावर प्लांट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपके आपके के लिए, तो right? तो ये ये कुछ हैं हैं, जो जो आप आप जरूर जरूर इनको याद रख सकते पढ़ सकते पढ़ एक recent current topic है जो आपके important है, तो इसको ध्यान दीजिएगा. पंजाब टू रिमूव सून ठीक है सॉरी रिमूव नहीं इट इज मूव तो पंजाब इज गोइंग टू ब्रिंग दिस एंटी रेड टेप एक्ट सून इसका मतलब यही है कि बेसिकली आम इंसान को जो सिटीज़न है जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको ये जो आ, ये जो दिक्कतें आती हैं जब भी कोई फ़ाइल उनको सिग्नेचर में करवाना पड़ता है या कोई भी सरकारी काम करवाना पड़ता है तो उस टाइम पे क्या आता है उस टाइम पे उनको बहुत सारे दिक्कतें आती हैं ठीक है गवर्नमेंट का ऐसा प्रोसीजर हो जाता है बहुत ही टीडियस प्रोसीजर है जिसकी वजह से एक आम इंसान या बिजनेस वाला जो है उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं वहाँ पे उसको फिर क्या करना पड़ता है अपना जल्दी से जल्दी काम कराने के लिए पैसा खिलाना पड़ता है ऐसा होता है ठीक है तो यही चीज को एलिमिनेट करने के लिए एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इम्प्रूव करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट विल सून ब्रिंग द पंजाब रेड एंटी रेड सॉरी एंटी रेड टेप एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ना वट इट एम्स इट एम्स टू रिड्यूस द कंप्लायस बर्डन ऑफ बिजनेस एंड सिटीजन सर्विसज बाई मिनिमम फिफ्टी परसेंट तो पचास प्रतिशत जो है ये जितना भी uh, काम है प्रोसीजर है फाइलें हैं ये कम हो जाएंगी और एक आम इंसान और बिजनेस वाला जो है आराम से उस सर्विस को अपना सकता है ले सकता है Now this which is likely to be introduced soon will probably be the first in the country aims to stop all kind of unnecessary harassment faced by the industry. So this is a very good step taken by the government. ठीक है पंजाब गवर्नमेंट अब देखते हैं ये एक्चुअली में इंप्लीमेंट होने पे किस तरीके से दिखता है। The act would be instrumental in providing the various measures. For simplification of government processes, for simplification of government processes, so it will be, it would be instrumental in providing the various measures for simplification of government processes, right? So uh, this is it for today's class. हमने तीसरे और चौथे वीक ऑफ सितंबर कंप्लीट कर लिया है। आपका कोई भी doubt, query, कोई भी सजेशन है, आप comment down बिलो कर सकते हैं एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड एनी थिंग यू वॉन्ट टू सजेस्ट अस वी वुड बी हैप्पी एंड वी वुड वेलकम योर सजेशन ठीक है सो uh, uh, we so, आज की क्लास में इतना ही थैंक यू